क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल के अंदर जाके अपना फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो कैसे करता है इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या, तो ऑल्टर करता है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। सेकेंडली क्या कर सकता है कि वो एक्टिवेट करता है इंट्रा सेलुलर इंजाइम को, या तो हमारे पास थर्ड क्या है, वो एक्ट करता है हमारे पास जीन्स पे। अब फर्स्ट को हम देखते हैं कि ऑल्टर करता है जब वो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को, तो क्या होता है कि हमारे पास जब इम्पल्सिस जाती हैं हमारे पास साइनेप्स में, ठीक है, या फिर हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ, तो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज़ होता है। फिर फर्दर वो क्या करता है कि हमारे पास वो अपना फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। अब क्या होता है कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे किस न्यूरोट्रांसमीटर की बात की गई है, तो एसिटाइलकोलीन की बात की गई है कि जो हमारे पास एसिटाइलकोलीन होता है वो रिलीज़ होता है हमारे पास वेसिकल से, और वो क्या करता है, वो हमारे पास जो परमेबिलिटी होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की सोडियम चैनल्स के लिए उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास जब परमेबल हो जाती है सोडियम के लिए, तो सोडियम के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयन जो होता है वो एंटर हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ECF से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, और क्या होता है एंड प्लेट जो पोटेंशियल होती है उसकी हमारे पास डेवलपमेंट होती है। सही है, एसिटाइलकोलीन ने क्या किया था, परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी है हमारे पास। सही है, उसके बाद सोडियम जो थे वो जो उसके चैनल्स थे सोडियम के वो ओपन हुए, सोडियम एंटर हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास एंड प्लेट पोटेंशियल जो है उसकी डेवलपमेंट हुई है। और अगर हम बात करें कि इंट्रा सेलुलर इंजाइम्स को जब एक्टिवेट करता है हमारे पास, तो किस तरह से होता है कि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं और जो कैटेगलोमाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एक्टिवेट करके इंट्रा सेलुलर इंजाइम को। वो कैसे कि हमारे पास सबसे पहले जब जो हार्मोन होता है, जब सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन है वो हमारे पास एक्ट करता है टारगेट सेल पर, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर। और यही जो हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर है, जब ये कंबाइन करता है हमारे पास रिसेप्टर के साथ और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर की हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो हार्मोन है जो एक्ट करता है टारगेट सेल पर, उसको हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर, और या फिर केमिकल मीडिएटर भी कह सकते हैं। और जब यही हमारे पास कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर।